कल अहमद बुखारी का एक बयान आता है, उन्होंने बयान में कहा है कि यूपी के वजीर हैं वो तानाशाह हैं, और मुस्लिम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से सरकार से नाराज चल रहा है, और 2017 के चुनाव में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इसका बदला लेगा सपा सरकार, ये बुखारी जी कहते हैं। देखिए अब बुखारी जी क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के जनता सब जानती है उनके बारे में, किसी से छिपा नहीं है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं और क्यों बोलते हैं ये भी जानते हैं। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जो भी चुनाव से पहले वादे किए थे पूरे वादे किए हैं, और जो हमेशा हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो विकास का काम कर दिया है और भी करेंगे अभी आगे और भी करेंगे, लेकिन इतना काम कर दिया है जो सरकारें लगातार 30 साल रहीं, 30 साल के हमने अधूरे काम भी पूरे कर किए हैं, 30 साल के जो भी अधूरे काम थे वो भी हमने पूरे किए हैं, और विकास के मामले में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल पड़ा है। और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है लोगों की, और देखिए जहाँ तक ये लाइन ऑर्डर का कभी कभी बात करते हैं ऐसे लोग अब उनके सामने कोई बात तो है नहीं, कहने को कुछ बचा नहीं है, पूरा के पूरे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, यही तो खतरा है 17 का, 2017 का खतरा है लोगों को कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की और भारी बहुमत की सरकार है, और इससे भी बड़े बहुमत से 2017 में आ रहे हैं हम लोग, इसलिए परेशानी है सबको।